आज हम एक्सप्लेन करेंगे कैप्टिविटी नाम के एक शॉर्ट फिल्म को लेकर। मूवी के शुरू में मूवी का मेन कैरेक्टर जिम को दिखाया जाता है। वो एक म्यूजियम में रहता है जो कि इंसानों को रखने का म्यूजियम था। जिम ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखा था। वो म्यूजियम कुछ साइबोर्ग मिलकर चलाते थे ये देखने के लिए कि इंसान पहले कैसे रहते थे, क्योंकि इंसान लुप्त प्राय होने लगे थे, मतलब उनका संख्या बहुत घट रहा था। जिम उस म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन हो गया था। जिम जहाँ रहता था वो एक फ्लैट जैसा था। वहाँ पर एक नकली सीढ़ी भी था जो कि कोई काम का नहीं था, घर के बाकी नकली खिड़की और दरवाजे की तरह। घर की ज्यादातर चीजें नकली था, पर एक टीवी असली था जिसे जिम बहुत पसंद करता था। फर्स्ट सीन में जिम टीवी में एक प्रोग्राम देखते हुए दिखाई देते है जिसका हर शब्द जिम को याद था। जब वो शो में लड़का और लड़की एक साथ दिखाई देते थे तब साइबोर्ग की टीम जिम को जानबूझकर वो सीन दिखाता था ताकि जिम को पता चले कि मेल इंसान फीमेल इंसानों के सामने कैसे बिहेव करता है। जिम एक पैकेट से कुछ खा रहा था तभी जिम को एक छोटा खिलौना उसके अंदर मिला। तभी वो उसको लेकर शोकेस के ऊपर रख देता है। इससे पता चलता है कि वो रोज एक ही टाइप का खाना खाता है और उसे वो खिलौना बहुत पसंद था क्योंकि उसका पूरा शोकेस वही सब खिलौनों से भरा पड़ा था। खिलौना कलेक्ट करना और टीवी देखना जिम का एकमात्र शौक था। रोज एक साइबोर्ग म्यूजियम गाइड एक साइबोर्ग के ग्रुप को म्यूजियम दिखाता था। स्टार्ट होता था एक जगह से जहाँ पर इंसान डेली लाइफ में जो सब यूज करते थे उन सबको दिखाने के साथ, जैसे कि टोस्टर, टॉय ट्रेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर उस म्यूजियम का सबका सबसे पसंदीदा था जिम। सब साइबोर्ग जिम को कांच की खिड़की से देखते थे और गाइड साइबोर्ग के ग्रुप को बताते थे कि जिम एकमात्र ऐसे इंसान है जो कि कैद में रहते हुए बड़ा हुआ है। जब साइबोर्ग जिम को देखने आते थे तब जिम उन साइबोर्ग को थम्स अप शो करता था। इस बारे में कभी भी वो कंप्लेन नहीं करता था कि उसका कोई प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि जिम को कभी लगता ही नहीं था कि वो कैद में है। उसे लगता था कि जिंदगी तो ऐसी ही होती है। टूरिस्ट जिम को देखते थे, एनालाइज करते थे, जैसे कि जिम कोई टेस्ट सब्जेक्ट था। जब टूरिस्ट वापस जा रहे थे तभी घोषणा किया जाता है कि एक नया फीमेल इंसान को दिखाया जाएगा। ये सुन के जिम एक्साइटेड हो जाता है और फीमेल इंसान से मिलना चाहता है, क्योंकि फीमेल इंसानों को वो सिर्फ टीवी में ही देखा था। अगले दिन जिम उठता है, ब्रश करता है और कुछ ज्यादा ही टाइम नहाता है और बहुत सारा डिओड्रेंट लगा के अच्छे से रेडी हो जाता है फीमेल फ्रेंड को वेलकम करने के लिए। उसके बाद दरवाजा खुलता है और एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की को लाया जाता है। तभी जिम मूवी का एक डायलॉग बोलता है क्योंकि जिम को लगता है यही सही तरीका होगा एक फीमेल फ्रेंड को वेलकम करने का। पर केस डर जाती है और यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा ढूंढती है, क्योंकि केस को बाहर की दुनिया से उठाकर लाया गया था। क्योंकि जिम के अपार्टमेंट के सारे खिड़की और दरवाजे फेक थे तो वहाँ से बाहर जाना केस के लिए पॉसिबल नहीं था। जब वो बेडरूम जाती है बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए तभी उसको दिखती है कि एक बेड है जो कि रोज पेटल से सजाया हुआ है। जिम मूवी से कोई सोशल स्किल्स तो नहीं सीखा था, पर उसे पता था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है। केस जब दिखती है कि साइबोर्ग की टीम खिड़की से उसे देख रही है तभी वो खिड़की के नीचे छुप जाती है। तब जिम ने खुद का परिचय दिया और केस तभी समझी कि जिम भी एक इंसान है। केस जब पूछती है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जिम जानता है कि नहीं, तब जिम कहता है कि यहाँ से बाहर जाना ही क्यों है, यहाँ पर सभी अच्छी चीज तो अवेलेबल है, जैसे कि सोफा एंड टीवी जिसमें कि 5 चैनल आता है। यहाँ पे पूरा दिन जितना चाहे वो खा पी सकता है। पर ऑब्वियसली जो जिम को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, केस को वो सब एकदम पसंद नहीं आती है, क्योंकि केस बाहर की असली दुनिया से वाकिफ है। रोते हुए केस को जिम गुलाब देके शांत करने की कोशिश करता है। उसके बाद केस और जिम डिनर करने लगता है। जिम ओवन में आर्टिफिशियल खाना गर्म करके खाने लग जाता है, पर केस को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती है। केस जिम को पूछती है कि जिम कभी बाहर गए कि नहीं। जिम कुछ आंसर नहीं करता है। उसके बाद केस जिम को खाने के स्मेल के बारे में बोली। हालांकि जिम को तभी कुछ समझ नहीं आता है। केस गाली देता है साइबोर्ग को इंसान को जानवर की तरह वहाँ पर रखने के लिए। उसके बाद केस जिम को समझाने लगती है कि यहाँ पर कुछ भी असली नहीं है, यहाँ की सीढ़ी नकली है, दरवाजा 4 इंच के ज्यादा खुलता भी नहीं है। जिम कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और सिर्फ हंसते रहता है। जब केस पूछती है कि सब नकली चीजों से तुम्हें क्यों कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तब जिम बोलता है कि उसे जोर का नींद आया है और सोने जाता है। जिम केस को कहता है कि तुम भी सोने आ जाओ, तो केस गुस्सा हो जाती है और मना कर देती है।
जिम सेक्स के बारे में बोलता है तो कैस गुस्सा करती है और बोलती है जिम के साथ वो कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगी। जिम बेडरूम जाता है और सब रोज पेटल्स को हटाकर सो जाता है। साइबोर्ग तब भी जिम को देखते रहते हैं। कैस बाहर सोफे पर सो जाती है। आधी रात को जिम बाहर आता है और कैस के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और जिम के सबसे पसंदीदा खिलौना लाके रख देता है। कुछ देर बाद कैस की नींद खुलती है और खिलौना दिखाई देता है। तभी कैस को आइडिया आती है और सभी खिलौना लेके कांच के खिड़की में कुछ डिजाइन कर देती है। जिम जब बाहर आता है तो खिलौना ना देख पाने की वजह से वो दुखी होता है, पर जब वो डिजाइन देखता है खिड़की पर तो दुख खुशी में बदल जाता है और कैस कहती है कि ये जो सीनरी तुम देख रहे हो यही मेरी घर है। जिम कहता है कि जिम की घर ही अभी कैस की घर है। कैस कहती है कि इंसान साइबोर्ग के साथ नहीं रह सकता है क्योंकि इंसानों का घर बाहर है। अगले दिन जिम साइबोर्ग से छुपके कैस को बताता है कि इस अपार्टमेंट से निकलने का एक रास्ता है। कुछ दिनों के बाद बाद एक साइबोर्ग एक दरवाजे से अंदर आता है एक कार्ट लेकर। उस कार्ट में छुपके कैस बाहर जा सकती है क्योंकि उस कार्ट में सिर्फ एक इंसान का छुपने की जगह है, तो जिम को अंदर ही रहना पड़ेगा। कैस जिम को समझाती है कि वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, पर जिम बताता है कि वो यहीं पर खुश है तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रात में एक साइबोर्ग आता है फ्रिज को फील करने के लिए, तो कैस उसके कार्ट में छुप जाती है और बाहर चली जाती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। अगले दिन साइबोर्ग सुपरवाइजर जिम को पूछता है कि कैस कहाँ है, तो जिम ने कहा मुझे नहीं पता। अगली सीन में टूर गाइड एक साइबोर्ग ग्रुप को जिम से इंट्रोड्यूस कराता है और तभी देखता है कि जिम एक साइबोर्ग को सोफा के साथ बांधकर भाग गया है। अगले सीन में जिम दिखाई देते हैं एक लड़की की ओर चलते हुए जो कि एकदम उस डिजाइन की तरह दिखाई दे रहा था जिसे कैस ने बनाई थी। इस मूवी में जिम का लाइफ जू के लाइफ को रिजेंबल करता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसा फील होता है जब कोई आर्टिफिशियल लाइफ लीड करने में मजबूर होता है। ये जो मैसेज ये शॉर्ट फिल्म दुनिया को देता है वो इस मूवी को काबिले तारीफ बनाता है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जब 2067 में पृथ्वी से ऑक्सीजन गायब हो जाता है तब कुछ लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, तो फिर राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।